अस्सलाम वालेकुम। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, इसमें वीडियो में आप लोगों से एनाटॉमी सेकंड प्रोफेशनल एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो कि 2019 में आया है। इसमें एमसीक्यूज मैंने स्लाइड्स पे लिखे जितने मुझे याद थे और जो जो मुझे उसमें बातें याद थी, मैं उसकी स्टेटमेंट आप लोग को खुद क्लियर से बता दूंगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया था और क्यों ये आंसर था। तो इट्स जस्ट लाइक नगेट्स, बट आप लोग खुद रीड करेंगे ये स्लाइड्स को तो आप लोग को शायद ना समझे कि ये किस तरह पूछा गया था एमसीक्यू। इसके अलावा मैं आप लोग को और भी थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह एमसीक्यूज आते हैं। बाकी जो स्लाइड्स में एमसीक्यूज की पिक्स होंगी वो सारे वो एमसीक्यूज होंगे जो कि आ चुके हुए हैं पहले प्रोफ्स में, तो वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई विल ट्राई। सो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बुक्स कौन सी आप लोग यूज कर सकते हैं, बीआरएस ग्रोस एनाटॉमी और बीआरएस एम्ब्रियोलॉजी। बीआरएस एम्ब्रियोलॉजी में हर जो है लाइक सीवीएस है आपके पास, तो उसके मैक्सिमम 30 एमसीक्यूज है और बाकी सारे टॉपिक्स के 10 to 20 है, बट दे आर वेरी हाई यील्ड एमसीक्यूज जिसमें से मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज प्रोफ में कॉपी पेस्ट भी आए हुए हैं अभी पहले। और ग्रोस एनाटॉमी का भी इस तरह हेड एंड नेक आई थिंक 60 होंगे या 70 होंगे, बट दे ऑल आर हाई यील्ड और ये पहले प्रोफ में आ चुके हैं। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एमसीक्यूज से। हमें एमसीक्यूज आया था ड्यूरिंग सर्जरी, इंटीरियर वॉल ऑफ द एपिप्लॉइक फोरामेन इज डैमेज्ड बाय अ सर्जन एक्सीडेंटली, देन व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज्ड। आप लोगों को इसकी बाउंड्रीज आनी चाहिए इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इसका आंसर था हिपेटिक आर्टरी। इसका आंसर हिपेटिक आर्टरी इसलिए था क्योंकि इसमें बाइल डक्ट और पोर्टल वेन की ऑप्शंस नहीं मौजूद थी। अगर ये तीनों कॉन्टेंट इकट्ठे एक लाइन में लिखे होते तो वो आंसर होता। तो वैसा आंसर ये था, असल में इंटीरियर वॉल में बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी तीनों होती है। इसी तरह के एमसीक्यूज ये और किस तरह पूछ सकते हैं, पूछ सकते थे कि पोस्टीरियर वॉल अगर डैमेज हो गया सर्जन से तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर वॉल में इंफीरियर वेना केवा इज प्रेजेंट, सो इंफीरियर वेना केवा इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज व्हेन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एपिप्लॉइक फोरामेन इज डैमेज। सो दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द सुपीरियर। आप लोग देख सकते हैं सामने एंटीरियर तीन स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर इंफीरियर वेना केवा है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज वाज hyperacusis is due to damage of, hyperacusis mean increase in the hearing sensitivity, isme awaaz unchi sunai deti hai. The answer is facial nerve damage because facial nerve supplies the stapedius muscle. To wo is tarah MCQs bhi pooch sakte hai ki hyperacusis kis muscle ke denervation hone ki wajah se ho sakti hai, to wo stapedius muscle ki denervation hone ki wajah se ho sakti hai because stapedius muscle जो होता है हमारे पास हेल्प करता है इम्पीडेंस मैचिंग में, सो वो अगर हाइपरएक्यूसिस पूछा है, ये इस साल हाइपरएक्यूसिस पूछा था, हो सकता है वो हाइपोएक्यूसिस पूछ लें। हाइपोएक्यूसिस जो होता है वो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 5 के डैमेज होने की वजह से होता है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। क्रेनियल नर्व 5 यानी ट्राइजेमिनल नर्व और इसकी थर्ड डिवीजन, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है। और ये आप लोग देखेंगे कि ये एमसीक्यूज कहाँ से आया, ये BD4 जो ब्रेन की BD है उसमें क्रेनियल नर्व के चैप्टर्स के जो क्लिनिकल है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम दिया होगा कि प्रोक्सिमल टू जेनिकुलर गैंग्लियन आई थिंक वो था वो डैमेज हो, तो क्रोकोडाइल ईयर सिंड्रोम टीयर सिंड्रोम होता है। ये एमसीक्यूज आया हुआ है, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम ये एमसीक्यूज आया हुआ है पहले प्रोफ में, तो आप लोग ने वो वाले क्लिनिकल्स एक बार लाजमी रीड कर लेना है। दे ऑल आर वेरी हाई यील्ड और उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज एक आया था वेन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, वेन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल वो थी इंटरनल सेरिब्रल वेन। अदर पॉसिबिलिटीज क्या है, अदर पॉसिबिलिटीज है वो क्रोइड प्लेक्सिस किसी भी वेंट्रिकल का पूछ सकते हैं, तो वो आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज वाज लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व वाइंड्स अराउंड। इसका आंसर है डक्टस आर्टेरियोसिस, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये हमारे पास है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाइंड कहाँ हुई है, डक्टस आर्टेरियोसिस, ये हमारे पास यहाँ पे होता है डक्टस आर्टेरियोसिस, तो ये यहाँ पे वाइंड हुई है। अगर ये लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का इन्होंने पूछा है, वो हो सकता है
इसकी अदर पॉसिबिलिटी क्या है, वो राइट रिकरेंट लरिंजियल नर्व का पूछे. राइट रिकरेंट लरिंजियल नर्व का थोड़ा डिफरेंट हिसाब है. ये सब क्लेवियन आर्टरी है, तो राइट रिकरेंट जो नर्व होती है वो सब क्लेवियन आर्टरी के अराउंड वाइंड होती है, तो ये दोनों डिफरेंट है. तो हमें तो लेफ्ट का आया, तो हो सकता है सप्ती में या नेक्स्ट ईयर जब भी ये आए तो वो राइट का पूछ लें. ये एक और पॉसिबिलिटी थी. ये भी प्रोफ का एमसीक्यू था. फॉलोइंग न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ऐड किया. इसमें हमारे पास हाइपोग्लोसल, वेस्टिबुलर और फेशियल नर्व्स, क्लियरली आंसर है. ये आप लोग को शायद क्लियर ना नजर आ रहा हो, बट इसका ये आंसर है. इसमें एब्ड्यूसेंट वाली ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? जब आप फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ते हैं तो आप कोई एब्ड्यूसेंट ट्राइंगल या कोई एब्ड्यूसेंट एरिया नहीं पढ़ते, क्योंकि इसको कवर किया होता है मोटर नर्व्स ऑफ द फेशियल नर्व ने, जो आप लोग ने पढ़ा होगा फेशियल कॉलिकुलस बनाती है. तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं. तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे हमारे पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. फेशियल कॉलिकुलस यानी फेशियल नर्व, वेस्टिबुलर यानी एट्थ नर्व, वेगल ट्राइंगल यानी 10th नर्व, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल क्रेनियल नर्व 12, और इसके अलावा हमारे पास बस ये चार आपने याद रखने हैं. तो ये चार न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. उसके बाद आ जाता है अ पेशेंट हैड अ बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया. जिधर आप लोगों ने बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया पढ़ लिया, आप लोगों ने उसका आंसर ऑप्टिक क्याज्मा लगा देना है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्पेशली इन फिजियोलॉजी, बट ये एनेटमी में भी दो तीन बारी मैं देख चुका हूँ, प्रोफ में आ चुका है. ये है आपका ऑप्टिक क्याज्मा, ये सी वाला, ये जब डैमेज होगा तो ये वाला बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाएगा. तो ये आप लोगों ने डायग्राम जेहन में रखनी है तो आप लोगों को याद रहेगा. एक एमसीक्यूज आया था, इफ अ पर्सन अटैक अ वुमन विद अ नाइफ ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्यूबिक ट्यूबरकल, देन व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज्ड. प्यूबिक ट्यूबरकल के राइट लेटरल साइड पे हमारे पास ऑप्शंस दो थे, जिसमें से एक आंसर, मतलब बाकी सारे इररेलेवेंट थे. एक राउंड लिगामेंट था, एक स्पर्मेटिक कोर था. बट आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना है, If a person attacks a woman, woman में spermatic cord नहीं होती, उनमें उनकी जगह round ligament होता है. Answer था round ligament. तो ये word woman is a key word for this MCQ. एक था parotid fascia is supplied by. Parotid fascia great auricular nerve supply करती है. ये इस तरह MCQ नहीं आया था. ये था which of the following is correct. उसमें पांच different option थे, जिसमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, जिसमें पैरोटिड फेशिया सप्लाइड बाय ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. अदर पॉसिबिलिटी है कि सेंसरी नर्व ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड पूछ सकते हैं. तो सेंसरी नर्व ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होती है. लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस फॉर्म्स. ये एम्ब्रियो का एमसीक्यू आया था इस ईयर. कोरोनरी साइनस बनाती है. व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? वो पूछ सकते हैं राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस फॉर्म. वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल नहीं, राइट एट्रियम बनाती है. ये गलती से मुझसे वेंट्रिकल लिखो गया, राइट एट्रियम बनाएगी. तो आप लोग को ये आना चाहिए कि ये राइट एट्रियम बनाती है. इसकी एनोमलीज अब पढ़ें तो आप लोग को समझ आ जाएगी कि सुपीरियर वेना के वह अगर लेफ्ट साइडेड हो तो वो कोरोनरी साइनस में खुलती है. अगर सुपीरियर वेना के वह जो कि यूजुअली हम सब में राइट साइड पे है तो वो राइट एट्रियम में खुलती है. उसकी ये रीजन है. ये तीनों प्रोफ के एमसीक्यूज है. इस प्रोफ के नहीं, बट पिछले प्रोफ के. अ 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी. ये आप लोग पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये हमारे पास बनेगी कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया. कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एससीक्यूज एज वेल एज एमसीक्यूज. हमें इस बार आया था और बहुत से बच्चे इस एससीक्यू को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम लिखा है, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो आप लोग को ये दोनों अच्छी तरह क्लिनिकल आने चाहिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया. इसकी कॉज ये होती है लेफ्ट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्लोज, लेट होना होता है तो ये क्लोज नहीं हो पाती. तो आप लोग को ये लेफ्ट लंग से भी काफी अंदाजा हो जाएगा. अ कॉर्डल पार्ट ऑफ द हाइपोफ्रिंजियल लैमिनस डिफरेंशिएट इनटू एपिग्लोटिस.
कॉर्डल पार्ट यानी पिछला पार्ट, यही ये पूछ सकते थे द क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोफ्रिंजियल लैमिनस। अगर वो क्रेनियल पार्ट पूछते तो ये बनाता पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द लंग। सही हो गया। लास्ट एमसीक्यूज इज बिट डिफिकल्ट बट द रीजन आई विल एक्सप्लेन इट विद द रीजन। स्मूथ वेसल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल ब्लड वेसल आर मोस्ट सेंसिटिव टू द ब्रैडीकाइनिन रिलीज्ड बाय द इन्फ्लेटिंग लंग्स होता है नियोनेट। आप लोगों को बताया जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था ही कैन नॉट ब्रीथ, उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते, वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा होता। जब वो सांस लेता है तब वो ब्रीदिंग स्टार्ट करता है, इसीलिए जब वो सांस लेता है उसकी बॉडी में उसी टाइम चेंजेस आती है, उसके लंग्स ओपन होते हैं, उसको सांस आना शुरू होता है, इसकी ही वजह से वो रोना शुरू करता है जब पैदा होता है। तो पैदा होगा तो लंग्स के नियर जो स्ट्रक्चर होगा उसको ही ये ब्रैडीकाइनिन ने यानी इन्फेक्ट अफेक्ट करना है क्योंकि इन्फ्लेटिंग लंग्स के है। तो डक्टस विनोसिस लिवर में होता है तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। एम्ब्लाइकल वेन भी आप लोगों को पता है इससे ताल्लुक नहीं, एम्ब्लाइकल आर्टरी का भी ऑब्वियसली ताल्लुक नहीं हो सकता, राइट विच लाइन। इस तरह का एमसीक्यूज आए तो आप लोगों ने ऑप्शन एक्सक्लूड करने हैं, जो आखिरी ऑप्शन बच जाएगा तो वो आपका आंसर होगा डक्टस आर्टेरियोसम, क्योंकि लंग्स के रिलेटेड वही है और डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग के पास होता है लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में कनेक्शन विच क्लोज आफ्टर बर्थ, यानी जब इन्फ्लेट हो गया तो ब्रैडीकाइनिन इसको क्लोज करता है। पर्सन शोइंग पुअर ग्रोथ विद एपिसोड्स ऑफ हेडेक एंड क्रेनियोफ्रिंजियोमा देन देयर इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एनोमली ऑफ। एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि सबकी याद नहीं है, तो जो स्टेटमेंट जिस तरह थोड़ी बहुत याद है आई ट्राई माई बेस्ट, इसलिए मैं खुद भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में ताकि आप लोग को थोड़ा अंदाजा हो जाए। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस होते हैं कि यूएचएस 10 टू 15 एमसीक्यूज वही पिछले रिपीट करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस होते हैं कि जो एससीक्यू है वो भी जो प्रोफ आता है सप्ली में उसमें से एक दो एससीक्यू एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं। सो ट्राई करें कि आप लोग ये एमसीक्यूज एक बारी रीड कर लें बिकॉज चांसेस है कि इनमें से एमसीक्यूज आएंगे। तो इसका आंसर रस्त की स्पाउच है। क्रेनियोफ्रिंजियोमा इज रिलेटेड टू द रस्त की स्पाउच इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। द सेल ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द हाइपोफिजियल डाइवर्टिकुलम फॉर्म, ये प्रोफ का एमसीक्यूज है पास इंटीरियर, यानी वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कोई एमसीक्यूज, इसके रिलेटेड था तो मैंने ऐड कर दिया। ये सिर्फ मैंने एक पेपर के एमसीक्यू ऐड किया, मेरे पास चार पेपर पड़े थे, सो आई विल सेंड इट इन ग्रुप्स ताकि आप लोग उससे रीड कर लें। मैं पास एमसीक्यूज करके गया था एंड 6 to 7 एमसीक्यूज पास्ट एमसीक्यू से एग्जैक्ट आए थे, तो आप लोग वो करें लाजमी। इफ अ डेवलपिंग मेटानेफ्रोस किडनी फेल टू अंडरगो नॉर्मल रोटेशन, आप लोग जब किडनी की डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वो इंटीरियरली फेस कर रही होती है, 90 डिग्री रोटेट करती है तो वो मीडियल वॉल की तरफ आ जाती है, वो ये इस तरह आ सकता है। अदर पॉसिबिलिटीज क्या है, वो एमसीक्यूज रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ स्टमक या रोटेशन ऑफ मिड गट लूप भी पूछ सकते हैं। उन्होंने किडनी के रोटेशन का पूछा है तो मोस्ट लाइकली वो स्टमक और मिड गट लूप की भी और उनकी नर्व सप्लाई का पूछ सकते हैं। दिस इज फ्रॉम हिस्ट्रोसाइट इंट्रासेलुलर कैनेलिकुलस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराइटल सेल, तो ये जस्ट लाइक अ रट्टा एमसीक्यूज, तो आप लोग ये इसी तरह कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज जिस पे बहुत बहस होती है और इसका आंसर मोस्टली हम भी गलत, मैं भी गलत लगा गया था, बट इसका आंसर ये सही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉटन स्वैब टच एट द टिप ऑफ द फिंगर देन द सेंसेशन इज कैरिड बाय, हम समझते हैं कि फाइन सेंसेशन होगी तो डोर्सल कोलम मेडियल लेमिनिस्कस को लेके जानी चाहिए, बट इट्स रॉन्ग, इट इज टेकन बाय इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इट्स एन एमसीक्यूज ऑफ आवर न्यूरोएनाटॉमी बुक, तो वो हमारी रेफरेंस बुक है उधर से हमने देखना है, वहां पे ये एक एमसीक्यूज है जिसमें एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट है और उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाली सेंसेशन इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जाता है। व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज, वो आप लोगों से कोई भी एमसीक्यूज में प्रेशर टेम्परेचर टच इस तरह की कोई भी सेंसेशन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन सा ट्रैक लेके जाता है,
तो आप लोग को सेंसेशन अलोंग विद द ट्रैक्स अच्छी तरह आनी चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन एक्सेट्रा. इसी तरह ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, ये आया हुआ है तो इस तरह भी आ सकता है. अ पेशेंट हैड अ कार एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन एन इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हिज क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिवाइव्स, ही कुड नॉट फील प्रेशर. प्रेशर लेके जाता है इंटीरियर स्पाइनल थैलेमस. इसी तरह वो पूछ सकते थे उसको टेम्परेचर नहीं फील हो रहा. पेन एंड टेम्परेचर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक लेके जाता है, तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक आंसर हो जाता. तो लाइक ऑलमोस्ट एक जैसे ही एमसीक्यू आते हैं प्रोफ में, तो आप लोगों ने को इसलिए मैं अदर पॉसिबिलिटीज साथ साथ बता रहा हूँ. पैरासिम्पेथेटिक नर्व इनर्वेटिंग, ये आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए. पैरासिम्पेथेटिक पेल्विक सप्लेंक्निक नर्व होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करती है. ये आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक है वो पेल्विक नर्व सप्लाई कर रही है, जो सिंपेथेटिक है वो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और जो सोमेटिक है वो प्यूडेंडल नर्व. सो ये तीनों ही एमसीक्यूज है. व्हाट इज ट्रू अबाउट वजाइना, ये इसमें एक ऑप्शन ट्रू था तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डेपोजिशन. वजाइना में एक ऑप्शन था कि कोई सिक्रीशन होती है, नो ये इसमें सारी जो सिक्रीशन आ रही होती है वो सर्विक्स से आ रही होती है. सो ये आप लोगों ने याद रखना है कि देर आर नो सिक्रीशन प्रेजेंट इन वजाइना, या वहां पे कोई ग्लैंड जिस तरह के नहीं है, पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डेपोजिशन उधर होती है जो कि बैक्टीरियाज को रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म द लैक्टिक एसिड एंड मेक इट एसिड. कॉर्पोरा एमाइलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये करेक्टरिस्टिक है प्रोस्टेट का. प्रोस्टेट के दो करेक्टर है, एक तो हमारे पास प्रोस्टेटिक कॉन्क्रीशन जिसको कॉर्पोरा एमाइलेशिया कह रहे हैं, उसके अलावा एक हमारे पास है कि इसका स्ट्रोमा जो होता है वो फाइब्रोमस्कुलर होता है. आप लोग ये पॉइंट्स नोट करते जाएं, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा प्रोस्टेट का होता है और ये एमसीक्यूज है. यू सी द स्लाइड ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, अच्छा स्टीरोइड प्रोड्यूसिंग सेल, स्टीरोइड मींस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑब्वियसली, तो थीका इंटरना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये बुक की लाइन है. अ कट सेक्शन ऑफ ओरिकल, ओरिकल आप लोग को ये पीना पता है जो होता है, आप लोग को इसकी जब कट सेक्शन पीना का करेंगे ऑब्वियसली उसमें कार्टिलेज इलास्टिक होगी. इलास्टिक कार्टिलेज के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलास्टिक कार्टिलेज ज्यादा पार्ट्स में नहीं होती, तो आप लोग को पता होना चाहिए किस किस पार्ट्स में होती है. तो इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लोटिस में होती है और पिना में होती है मेनली, तो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आए. इसका कट सेक्शन अगर हिस्टोलॉजिकली देखे तो हमें इलास्टिक कार्टिलेज नजर आएगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज डेरिवेटिव ऑफ द वेंट्रल मेसेंट्री, वेंट्रल मेसेंट्री के डेरिवेटिव ये एमसीक्यूज आया था, उसका आंसर था फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. आप लोग को बाकी सारे वेंट्रल मेसेंट्री के डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए, और इसके अलावा आप लोग को डोर्सल मेसेंट्री के डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए, वो भी एमसीक्यूज है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट इज फॉर्म ड्राइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल, इट इज बल्बर एंड ट्रंकल रिजेस. न्यूरल क्रेस्ट सेल डेरिवेटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैं अगेन आप लोगों को कहूंगा कि ये फिफ्थ चैप्टर एम्ब्रियोलॉजी KLM में इकट्ठे लिखे हुए हैं डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल, उनमें पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट और एड्रीनल मेडुला, बल्बल एंड ट्रंकल रिजेस, वो सारा कुछ लिखा हुआ है. वो जो सारे डेरिवेटिव्स है ना, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म, न्यूरोएक्टोडर्म, वो सारे डेरिवेटिव्स आप एक ही बार इधर से कर लें तो आप लोगों को ये स्कैटर्ड है बाकी सारी बुक में, तो आप लोगों को बाकी सारी जगह से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चैप्टर नंबर 5 KLM में ये सारे डेरिवेटिव्स लिखे हैं, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल के तो आप लोगों को हिट्स होने चाहिए, ये 3-4 बार एमसीक्यूज आ चुका है. एक्सटेंट ऑफ कैंटाइल लाइन ऑफ लिवर डिवीजन, ये किसी को भी नहीं खैर उस टाइम आता था बट आप लोग याद रखिएगा, गैल ब्लैडर फंडस से इंफीरियर वेना केवा तक होती है कैंटाइल लाइन, तो वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ. सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज द कैंटाइल लाइन व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा टू द फंडस ऑफ द गैल ब्लैडर. नेक्स्ट एमसीक्यू इज मेडियल अम्बिलिकल फोल्ड इज द डेरिवेटिव ऑफ, इस पे मैंने मेडियल पे काफी जोर डाला है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. मेडियल एम्बिलिकल फोल्ड डेरिवेटिव है एम्बिलिकल आर्टरी का, ये याद रखना. इसी तरह
अगर आ जाए मेडियन अम्बिलिकल फोल्ड, इसमें थोड़ी सा बस फर्क है, एन का एक फर्क आ रहा है, तो ये यूरेकस होता है। एलेंटोइस आप लोगों ने जो पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, उसका जो रेमिनेंट बबल डबल साइन इज सीन इन ड्यूडिनल एट्रिजियम एनी स्टेटमेंट। ये सारी स्टेटमेंट अब मैंने तो एक एक लाइन में आप लोगों को बताई है, बट आप लोगों को पता है कि ये 3 से 4 लाइन की स्टेटमेंट्स होती हैं, बट उसमें एक ही काम का वर्ड होता है। जिधर आप लोगों ने बबल डबल साइन पढ़ लिया तो वो कैरेक्टरिस्टिक है ड्यूडिनल एट्रिजिया का, तो आप लोगों ने वहां से लगा देना। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनोग्राम ऑफ अ यंग फीमेल रिवील्ड यूनिकॉर्नेट यूट्रस। यूनिकॉर्नेट यूट्रस यानी एक साइड का, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप जब होती है, अगर वो एक साइड की होगी तो यूनिकॉर्नेट यूट्रस होता है। तो आप लोग ऐसे याद कर लें। Which of the following structure is derived from? अब ये मेरे मुझे MCQs में क्यों आप लोग को ये वाले दिखा रहा हूँ, ये प्रोफ के ही MCQs है जो मैं दिखा रहा हूँ सारे। इन्होंने डेरिवेटिव पूछे, तो ये आप लोग की बुक में एक टेबल बना हुआ है यूरोजेनिटल डेरिवेटिव्स का, वो आप लोग को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, वहां से 2 MCQs लाजमी आने। जिधर से आप लोग को पता है MCQs लाजमी आने, वो लाजमी करें, बिकॉज यू नो 30 MCQs अगर सही हो जाते हैं आप लोग कन्फर्म पास। तो नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ फोरगट, इट्स गैल ब्लैडर। आप लोग को फोरगट, मिडगट, हाइंडगट तीनों के डेरिवेटिव्स आने चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, एक आध तो एमसीक्यूज हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाता है। द लार्जेस्ट कमिशरल फाइबर इज कॉर्पस कैलोसम, ये आप लोगों को पता है। हमें आया था नॉन स्पाइरल कोर्स ऑफ कोनोट्रंकल, ये मतलब एमसीक्यूज की सेंस ये थी कि जो स्पाइरलिंग होती है ना वो नहीं हुई तो फिर क्या होगा। स्पाइरलिंग हमारे पास ना एओर्टा को और पल्मोनरी ट्रंक को ना अपनी पोजीशन पे लाती है, अगर वो ना हो तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो जाती है। ये क्लिनिकल है आप लोग की बुक का, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। तो फिर ये क्या होता है कि जो एओर्टा है वो देखिए आप लोग राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, जबकि उसको निकलना चाहिए था लेफ्ट से, बट ये स्पाइरलिंग नहीं हुई। और जो पल्मोनरी वेन है वो हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ग्लैंड्स ऑफ लिटर आर प्रेजेंट इन पिनाइल यूरेथ्रा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लाइक ये उस टाइम नहीं पता होता, तो ये पिनाइल यूरेथ्रा में होते हैं, ये याद रखिएगा मेल में। द फ्री एपिकल सरफेस ऑफ एम सेल लोकेटेड इन आइलियम हैव एच फोल्ड्स, ये एमसीक्यू मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि किस तरह के प्रोफ में एमसीक्यूज आते हैं। ये एमसीक्यूज देखें, इसका आंसर है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के रिलेटेड हमें भी एमसीक्यूज आया था इससे पहले, मैं 3 पेपर देख चुका हूँ जिसमें ये एमसीक्यूज आ चुका है। तो ये वाला टॉपिक आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइक हुसैन से अच्छी तरह एक बार रीड कर लें, तो उसमें से मोस्ट लाइकली एमसीक्यूज आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिबेलम, पर कंजी सेल सिर्फ सेरिबेलम में होते हैं, बाकी बास के सेल सेरिब्रम में भी होते हैं, ग्रैन्यूल भी सेरिब्रम में होते हैं, पायरामिडल भी सेरिब्रम में होते हैं। अब ये एमसीक्यूज और किस तरह आ सकता है, वो पूछ सकते हैं विच पर कंजी सेल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो पर कंजी सेल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिबेलम, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। नेक्स्ट है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल आर, ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ये इस साल का एमसीक्यूज है तो आप लोग याद रखिएगा। और मैंने आप लोग को अभी कहा कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल के रिलेटेड आप लोग हिस्टोलॉजी पढ़ लें। टाइनाइटिस यानी कानों में आवाज आना एंड हियरिंग लॉस अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ, द बेस्ट ऑप्शन वॉज ऑर्गनोकोटाइड जिसमें से कोक्लियर नर्व निकलेगी और कोक्लियर नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। डेरिवेटिव ऑफ हायोइड आर्ट, फ्रिंजल आर्ट डेरिवेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल नो के ये आप लोगों में एस सी क्यू में, इसमें एम सी क्यू, इसका वाइवा हर चीज होती है, तो आप लोग को अच्छी तरह आना चाहिए। हायोइड आर्च सेकेंड फ्रिंजल आर्च का दूसरा नाम है, और सेकेंड फ्रिंजल आर्च के डेरिवेटिव है फेशियल नर्व एंड द फेशियल मसल। आप लोगों ने ऑप्शन देखने हैं कि उसमें कौन सा मसल फेशियल मसल है,
ये मैं आया था उसमें orbicularis oculi एक ऑप्शन था, तो orbicularis oculi इज अ फेशियल मसल, तो फेशियल मसल आंसर था। तो इस तरह आप लोग ने आंसर ढूंढना होता है। उन्होंने फेशियल मसल की ऑप्शन नहीं दी थी, उन्होंने उनमें से एक का नाम दिया था। तो आप लोग को फेशियल मसल के अगर नाम आते होंगे तो ही आप लोग आंसर लगा सकेंगे। नेक्स्ट वन, मसल ड्राइव फ्रॉम थर्ड फ्रिंजल आर्च। थर्ड फ्रिंजल आर्च से स्टाइलो फ्रिंजेस ही सिर्फ ड्राइव होता है और इसकी नर्व सप्लाई ग्लोसो फ्रिंजल है। और आप लोगों को पता है ग्लोसो फ्रिंजल सिर्फ स्टाइलो फ्रिंजेस मसल को ही सप्लाई करती है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड हेल्ड इन पोजिशन बाई लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ये किस तरह एमसीक्यू आया था? ये पास्ट पेपर का कॉपी पेस्ट एमसीक्यू था और वो ये एमसीक्यू था। ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू है और इस साल यही इसी स्टेटमेंट के साथ आया था और यही ऑप्शन थी, यही सीक्वेंस था। विद इन द वर्टिब्रल कैनाल द स्पाइनल कॉर्ड इज हेल्ड इन पोजिशन बाय डेंटिकुलेट लिगामेंट। In adults, the caudal end of the spinal cord ends in the lower border of which of the following vertebra? It's L1. आप लोग को सारी पोजीशंस आनी चाहिए कि एडल्ट में कहाँ तक होता है, फिर बच्चे में कहाँ तक होता है, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद। They can ask any possibility. Centorium cerebelli free margins are attached to. Posterior clinoid process very important. बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होती है। Centorium cerebelli का फ्री मार्जिन पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से अटैच होता है। मैं इसकी डायग्राम अभी ऐड करना भूल गया हूँ, वेरी सॉरी फॉर इट, बट आप लोग इसी तरह याद रख लें इसको। अदर पॉसिबिलिटी वो पूछ सकते हैं, टेंटोरियम सेरिबलाई का फिक्स्ड मार्जिन किसके साथ अटैच होता है? फिक्स्ड मार्जिन इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के साथ अटैच हो सकता है। अदर पॉसिबिलिटीज, ये टेंटोरियम सेरिबलाई के रिलेटेड सवाल था, वो आप लोगों से फॉक्स सेरिब्राई इनके रिलेटेड भी कि वो किधर से स्टार्ट होते हैं और किधर एंड होते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं आप लोग को, उनकी अटैचमेंट, उनके फ्री मार्जिन और उनके फिक्स मार्जिन का पता। नेक्स्ट, क्रैनियल नर्व 9 पासिंग थ्रू द जुगुलर फोरामेन इज डैमेज, देन व्हिच मसल इज मोस्ट लाइकली टू बी पैरालाइज्ड? क्रैनियल नर्व 9 एक ही मसल को सप्लाई करती है, स्टाइलो फ्रिंजेस, तो आप लोगों को इधर से अंदाजा आना चाहिए। Metanephros becomes functional as, metanephros functional as the 8th week, ये बुक की इंफॉर्मेशन है। Hydrated of morganin is the remnant of, अभी मैं आप लोगों को बता के हटा था कि आप लोगों को derivatives अच्छी तरह आने चाहिए। Derivatives are very important in case of embryology. इसके derivatives आप लोग के CVS के चैप्टर में कुछ derivatives है, median umbilical fold, etc. ductus venosus, ductus arteriosus, वो derivatives, remnants वो बोल के हैं। Derivatives of the ventral and the dorsal mesentery, they all are very important for the MCQ's purpose. Anti-Müllerian hormone is secreted by, anti-Müllerian sertralized cell होते हैं। Now what is the other possibility? Sertralized cell का वो पूछ सकते हैं, sertralized cell anti-Müllerian hormone के इलावा कौन सा hormone produce करते हैं? तो वो हमारे पास inhibin produce करते हैं, जो FSH की secretion को inhibin। Structure passing through the superior and the middle constrictor, it is stylopharyngeus. Again, what are the other possibilities? वो superior और middle constrictor से पूछा है, तो वो पूछ सकते थे कि middle और inferior constrictor से क्या पास कर सकता है। ये जो चीज, ये सारे आप लोग के स्ट्रक्चर आप लोग को आने चाहिए, या अगर इस प्रॉफ में आया तो हो सकता है आप लोग को उसमें ऑप्शन चेंज कर दे। इसके दरमियान से एक और चीज गुजरती है, स्टाइल ऑफ फ्रिंजेस को सप्लाई करती है ग्लोसो फ्रिंजल नर्व, तो वो भी सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान से गुजरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फीटल लंग्स, बाकी ऑप्शंस कोई करेक्ट नहीं थी, हाफ फिल्ड एट द बर्थ, ये इसका आंसर। लैंडमार्क फॉर एनेस्थीसिया एंड द पेल्विस, इस तरह का एमसीक्यू था, स्टेटमेंट वाज प्रीटी बिग, बट इसका आंसर लैंडमार्क आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में कि एनेस्थीसिया फीमेल में खासतौर पर जब डिलीवरी एक्सेट्रा या ऑपरेशन के वक्त देते हैं तो हम ट्रेस करते हैं ईशियल स्पाइन को। ईशियल स्पाइन इज अ लैंडमार्क वेयर वी गिव द एनेस्थीसिया, क्योंकि वहां पे प्यूडेंडल कनाल होती है, प्यूडेंडल कनाल के ताके स्ट्रक्चर्स वहां पे नर्व ताके एनेस्थाइज हो जाए। विच इज प्रेजेंट इन डीप पाउच, ये तो फिर ऑप्शंस के रिलेटेड आप लोग,
आप लोग को डीप पाउच और सुपरफिशियल पाउच की हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसक्यूएल एमसीक्यूज एंड फॉर वाइवा पर्पस. बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड. व्हाट इज ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ईयर. इंटरनल ईयर डेवलप फर्स्ट. ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले इंटरनल ईयर डेवलप होता है फिर एक्सटर्नल. इंटरनल ईयर सरफेस एक्टोडर्म से आई थिंक अराइज होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक्टोडर्म से अराइज होता है. ये आप लोग एक बारी बुक से कंफर्म कर लीजिएगा. बट ये इसका डिफरेंशियल फीचर था कि इंटरनल ईयर डेवलप भी पहले होगा और होता भी एक्टोडर्म से है. हाँ, क्योंकि अंदर होता है हम समझते हैं कि एंडोडर्म से होता होगा बट इट्स नॉट डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म. तो ये आप लोग को आना चाहिए. Which ganglion keeps the eye wet? इसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो गलती करते हैं वो अभी मैं दिखाता हूँ. आई को वेट रखता है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन. द रीजन बिहाइंड इट टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन सप्लाइज द लैक्रिमल ग्लैंड. और हमारी आई में लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि आई को वेट रखते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक के आंसर होना चाहिए सीलियरी गैंग्लियन. सीलियरी गैंग्लियन इज नॉट सिक्रीटो मोटर इन फीचर. ये किसी ग्लैंड को हमारी आई में सप्लाई नहीं कर रहा. It's responsible for the constriction and the dilation of the pupil. But the pterygopalatine ganglion is responsible for the secretions of the lacrimal gland, which are present in our eye. So, वो हमारी आई को वेट रखते हैं. Portosystemic shunt. This is very important. Portosystemic shunt is very important for SCQ, MCQs, viva, everything. Left renal vein and the splenic vein is cancer. The reason behind it, हमने देखना था. ऑप्शन में दो दो इस तरह ही ऑप्शन थी. हमने उसमें देखना था कि कौन सी वेन. एक उसमें वेन पोर्टल होनी चाहिए थी एक सिस्टेमिक होनी चाहिए थी. तो जो स्प्लीनिक वेन है वो पोर्टल वेन है. लेफ्ट रीनल वेन सिस्टेमिक वेन है. तो ये जैसा मर्जी एमसीक्यू आए आप लोगों ने देखना है कि जिस ऑप्शन में एक सिस्टेमिक वेन होगी एक पोर्टल होगी वो वाला आंसर होगा. बिकॉज वही पोर्टल सिस्टेमिक शंट बना सकता है. विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द एंटीरियर ग्रेट मेमोरी. An important MCQ is hippocampus. What structure is responsible for the loss of retrograde memory is thalamus. Coordinated control of extraocular muscle of eyes controlled by medial longitudinal fasciculus. What is medial longitudinal fasciculus? ये बनता है हमारे पास 3, 4, or 6 nerve जब हमारे पास 8th nerve से combine करती है. ये 3 nerve, 4 nerve, or 6 nerve ये तीनों नर्व हमारे एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स को सप्लाई करती है. और जो 8th नर्व है वो है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जिसमें वेस्टिबुलर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द बैलेंस. तो ये आई के साथ कोऑर्डिनेट करवाती है ताकि हम अपना बैलेंस मेंटेन कर सके. सो दिस इज मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस. आप लोग को फेसिकुलाइज और लेमिनिस्काइज अच्छी तरह आने चाहिए. द पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आप लोग गायराय और सल्काय एक बारी देख लीजिएगा. एक हमें एमसीक्यू आया था उसकी सारी ऑप्शंस बहुत अजीब थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. उसमें जो आंसर था वो था ट्रांसलेशनल मूवमेंट इन द सुपीरियर कंपार्टमेंट. मैं आंसर इसलिए साथ मतलब स्टेटमेंट में बाकी ऑप्शन याद नहीं बट आंसर बताने का ये मकसद है कि इस साल का ये पेपर है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एमसीक्यूज हो सकता है वो कॉपी पेस्ट करके सप्ली में भी दे दें. अगर उन्होंने सप्ली में दे दिया तो आप लोगों को आंसर पहले ही पता होगा. ऑब्वियसली इट विल हेल्प. कैरोटिड हीट इज सप्लाइड बाय ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. ये पहले हो गया. टेम्पोरल लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम द ईयर बाय. टेम्पोरल लोब सेपरेट होता है टेगमेंट टिम्पनाई के साथ. आप लोग को ये वाला याद होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. Lesser petrosal nerve is damaged in the ear infection and it is. ये उसका जो best option था. बाकी options बनेंगे तब आप लोग को समझ आएगी. Best option था presynaptic parasympathetic nerve. इसको मैं diagram से आप लोग को समझा देता हूँ. Lesser petrosal nerve इधर अगर हम trace करें तो ये है. ये lesser petrosal nerve है. यहाँ तक ये कहाँ पे आ रही है. ये otic ganglion में आ रही है. ओटिक एंग्लियन आपको पता है कि टेम्पोरल फोसा में पड़ा होता है. तो ये हमारे पास ये मिडल ईयर कैविटी है. ये ईयर कैविटी है जो ईयर में है. देखिए लेसर पेट्रोजल नर्व अगर हम ईयर में ट्रेस कर रहे हैं तो ईयर की इन्फेक्शन से पेट्रोजल नर्व डैमेज हुई.
ये पेट्रोजल नर्व इस गैंग्लियोन से पहले पड़ी हुई है, तो गैंग्लियोन में नर्व जाने से पहले जो नर्व होती है, नर्व का पार्ट होता है वो प्री साइनेप्टिक होता है और गैंग्लियोन के बाद पोस्ट साइनेप्टिक होता है। तो ईयर में कौन सा पार्ट डैमेज होना चाहिए? प्री साइनेप्टिक। तो ये आंसर था। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूस, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियास कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, और इसमें अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है के बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शंस के डिफरेंट रीजंस के एमसीक्यूज आ सकते हैं। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किस पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है? फिर हमें से ये पूछा जा सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के अगर ड्यूडेनल का फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर पार्ट का, ड्यूडेनल फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर पार्ट का अल्सर हो जाए तो कौन सी आर्टरी सबसे ज्यादा लाइकली है डैमेज होगी? वो गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी होती है। दिस इज ऑल अबाउट This year MCQ, ये 2019 के प्रोव के MCQs थे। तो I think आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बाकी के भी बना दूंगा if you find it useful for yourself. So best of luck for your supply exam. Inshallah you आप सबका supply exam pass हो जाएगा। बट ट्राई के पेपर प्रेजेंटेशन और इस पर फोकस करें। आई विल ट्राई, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पेपर प्रेजेंटेशन पर भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज पेपर अटेम्प्ट मैटर्स और 3 से 4 नंबर का फर्क आप लोग सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके से डाल सकते हैं। एवरी सिंगल मार्क मैटर, क्योंकि 49 फेल 50 पास, तो एक एक नंबर मैटर करता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।